हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुडो पावर। और मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकते हैं। और एपिसोड नंबर 3, इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ HTML। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ HTML? HTML इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो फिलहाल तो फुल फॉर्म आप भूल जाओ। तो HTML क्या करता है? डॉक्यूमेंट डिज़ाइन लैंग्वेज इन ब्राउज़र। तो बेसिकली ये लैंग्वेज कौन समझता है? तो ब्राउज़र समझता है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था आपको कि बस कंप्यूटर को हम लोग कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, तो यूजिंग लैंग्वेजेस। तो ठीक है, तो ब्राउज़र को हम लोग को समझाना है कि तुझे ये टास्क करना है, तो वो टास्क वो कैसे परफॉर्म करेगा यूजिंग HTML। तो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन लैंग्वेज मतलब हम लोग HTML का भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रन HTML? तो अगर आपको सिंपल HTML रन करना है तो आप को क्या चाहिए? तो आपको कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर के अंदर ब्राउज़र चाहिए और नोटपैड चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 101% आपके पास मोबाइल होगा। तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करो, प्ले स्टोर के अंदर लिखो HTML एडिटर ऐप, ठीक है। तो जैसे मैं प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, प्ले स्टोर के गूगल प्ले स्टोर के अंदर आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वाले हो, तो मोबाइल एप्लीकेशन आपको ओपन करना है और उसके अंदर आपको लिखना है HTML एडिटर। HTML एडिटर यहाँ पे पेस्ट करो, आपको आपके मोबाइल डिवाइस के अंदर सर्च करना है। तो आपको बहुत सारी HTML एडिटर की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें से मैंने थोड़ा रिसर्च करके एक एप्लीकेशन सर्च किया है, एंड राइटर फ्री HTML एडिटर। तो आप ये भी सर्च कर सकते हो, जो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट एप्लीकेशन, लोगो देख लो। मैं यहाँ पे कोई इसकी ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूँ, खाली सजेशन दे रहा हूँ कि मैंने थोड़ा यूज़ करके देखा और मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं एप्लीकेशन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप HTML की कोडिंग कर सकते हो। तो ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको कंप्यूटर अभी फ़िलहाल के लिए चाहिए चाहिए, आप मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। और आप धीमे धीमे अभी सेविंग करो, थोड़े थोड़े सेविंग करो, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, और फिर थोड़ी सेविंग होने के बाद कोई सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो HTML के अंदर क्या आता है? तो HTML के अंदर आता है, सबसे पहले आपको HTML टैग लिखना पड़ेगा, फिर हेडिंग टैग लिखना पड़ेगा। हेडिंग के अंदर टाइटल, हेड क्लोज, बॉडी, बॉडी के अंदर H1, वेलकम, एंकर टैग H1 बॉडी। ये मैंने खाली अभी फ़िलहाल आपको बेसिक स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ। फिर हेडिंग का क्या मीनिंग होता है, क्यों लिखते हैं, बॉडी क्यों लिखते हैं, HTML क्यों लिखते हैं, ये आपको मैं आगे के वीडियो में समझाऊंगा और आपको धीमे धीमे पता चल जाएगा। तो ये जो एंगल ब्रैकेट होते हैं ये कंपलसरी आपको लगाना होता है। तो ये जस्ट एक स्ट्रक्चर है, मतलब हम लोग को जो कंप्यूटर समझता है, अगर हम लोग ये ब्रैकेट छोड़ देंगे तो वो कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाएगा कि हम लोगों ने उसको क्या बताया। तो इसलिए हम लोग को ये ब्रैकेट लिखने पड़ते हैं किसके अंदर, तो HTML के अंदर। और वो कैस इनसेंसिटिव, मतलब आप इसको HTML को कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। जनरली सब लोग उसको स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग होती है HTML से, वेब पेज की स्टार्टिंग होती है HTML से। उसके बाद आता हैड टैग। तो हैड टैग क्या करता है, हमारा वेब पेज का हेड होता है जिसके अंदर हम लोग जो हमारा वेब पेज यूज़ करने वाला है वो सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर रखते हैं। तो हेडिंग के अंदर, जैसे उसके अंदर टाइटल है, तो जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो
जैसे YouTube.com मैंने लिखा तो ऊपर यहाँ पे हेडिंग आ रही, देखो YouTube लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कैसे आता है? यूजिंग टाइटल टैग। तो वेब ब्राउज़र को पता चलना चाहिए कि ये कौन सा एप्लीकेशन है, तो वो हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, और यही हेडिंग गूगल भी रीड करता है, तो उसका यूज़ करके हमारी वेबसाइट टॉप पे आ सकती है। उसके बाद जो बाकी बचा कंटेंट, जैसे यहाँ पे इतने सारे कंटेंट आ रहे हैं, यहाँ पे वीडियोस हम लोग को दिख रहे हैं, तो वो सब की कोडिंग हम लोग किसके अंदर करते हैं? तो बॉडी के अंदर। और उसके अंदर ये हम लोग हेडिंग डाल सकते हैं, फिर एंकर टैग, जो भी हमारे कंटेंट है वो बेसिकली किसके अंदर आएंगे? बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है फिर जो भी हम लोग टैग ओपन करते हैं, ठीक है, HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसके अंदर उन लोगों ने सब कुछ प्री डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जैसे HTML से स्टार्ट करना है, फिर हेड टैग ही आएगा, फिर बॉडी टैग ही आएगा, फिर बॉडी को क्लोज करना है, HTML को क्लोज करना है। तो बेसिकली आप जो भी टैग ओपन करते हो, ठीक है, उसको हम लोग को क्लोज करना ही पड़ता है। जैसे HTML के अंदर ये सभी उसके चाइल्ड मतलब उसके बच्चे टैग उसके अंदर आते हैं, तो सबसे पहले जो आता है टैग हेड, ठीक है, वो किसके अंदर होना चाहिए? HTML के अंदर ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका हेड, अगर आपने हेड यहाँ पे स्टार्ट किया और हेड का काम ख़त्म हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग तुरंत क्लोज कर देंगे। फिर हमारा मेन बॉडी पार्ट आता है, बॉडी को हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसके अंदर हम लोगों ने कंटेंट लिखे और बॉडी का काम ख़त्म हो गया, तो उसको तुरंत हम लोग को क्लोज कर देना है। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसको ब्राउज़र समझता है, और उसी स्टैंडर्ड को हम लोग फॉलो करके HTML मार्कअप लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं, और जो ब्राउज़र अच्छी तरीके से समझता है। HTML बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए उसको एज अ मार्कअप लैंग्वेज समझते हैं। उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उसके अंदर हम लोग कुछ डायनामिक कंटेंट लोड नहीं कर सकते, वो एक स्टैटिक होता है। मार्क मतलब उन लोगों ने फिक्स कर दिया कि HTML से स्टार्ट करना है, फिर हेड आएगा, फिर टैग को क्लोज करो, फिर बॉडी आएगा, फिर बॉडी के अंदर पूरी बॉडी आएगी, फिर बॉडी को क्लोज करो, फिर HTML क्लोज कर दो, इस तरीके से। तो सिंपल मैं अभी क्या करता हूँ, ये सारा कोड कॉपी करता हूँ, और आपको क्या करना है, नोट पैड ओपन करो, उसके अंदर ये पूरा कोड पेस्ट कर दो। मैंने पूरा कोड पेस्ट कर दिया और आपको लिखना है, ठीक है, ये कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा कोड लिखना है, ये डबल कोड, ठीक है। मैं आपको फिर से लिख के बताता हूँ। HTML मैंने स्टार्ट किया, इसको क्लोज कर दिया। तो जब भी आप HTML लिखोगे, कोई टैग आप जैसे स्टार्ट करते हो उसको तुरंत क्लोज कर देना है, ठीक है। फिर उसका चाइल्ड टैग क्या है? सबसे पहले चाइल्ड टैग क्या आता है? तो हेड, चाइल्ड मतलब उसका बच्चा, मतलब HTML पापा है तो हेड उसका बच्चा है। तो ये इस तरीके से एक हायरार्की चलती रहती है। जैसे मैंने हेड स्टार्ट किया, उसको क्लोज कर दो, हेड को मैंने क्लोज कर दिया। तो हेड के अंदर क्या आता है? टाइटल, टाइटल मैंने स्टार्ट किया, वेलकम टू सूडो पावर, टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। अभी फ़िलहाल इतना याद रखो कि आपको टाइटल टैग ज़रूरी है। अब जैसे मैं इसको ब्राउज़र के अंदर रन करूँगा तो आपको आइडिया आएगा। तो जैसे ही हम लोग चाइल्ड लिखते हैं, चाइल्ड टैग लिखते हैं, तो वो उसके अंदर लिखते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि ये पेरेंट है, फिर ये चाइल्ड है, फिर हेड का चाइल्ड टाइटल है। इसलिए हम लोग जनरली प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, टैब मार देते हैं। तो टैब मतलब एक 8 स्पेस ही होते हैं, अगर आप क्लिक 8 स्पेस दबाना चाहते हो तो दबा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपको फास्ट प्रोग्रामिंग करनी है तो टैब बटन अवेलेबल है, टैब प्रेस करो तो वो अंदर आ जाएगा। फिर बॉडी लिखो, जैसे मैंने बोला कि जैसे आप कोई टैग ओपन करते हो तो उसको तुरंत क्लोज कर देना है। तो क्लोज कैसे करेंगे हम लोग? यूजिंग स्लैश और जो टैग है
उसका नाम। तो उसके अंदर मैं जैसे हेडिंग लिखना चाहता हूँ, तो हेडिंग में मैं लिखूँगा सुडो पावर हाउ टू सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बने, ठीक है। और इसके अंदर इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद मुझे मेरी YouTube की लिंक डालनी, मतलब जैसे ही यूज़र मेरा ये पेज ओपन करेगा उसको लिंक दिखेगी, उस वो लिंक पे वो क्लिक करेगा और मेरे YouTube ट्यूटोरियल पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा एंकर टैग। ये मैं आपको जो भी टैग इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं HTML के अंदर, मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल में पूरा बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको URL देना है, जैसे आपका पूरा वीडियो का URL या फिर आपका जो भी आप URL डालना चाहते हो वो URL, और जो लिंक पे क्लिक करेगा वो उसका डिस्क्रिप्शन। अभी मैं इसको ये फाइल को आपको क्या करना है, सेव करना है लेकिन यूजिंग .html एक्सटेंशन। जैसे मैंने एक कोर्स फोल्डर बना के रखा है, इसके अंदर मैं फाइल को सेव करता हूँ। test.html, और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे आपको फाइल का टाइप का चूज करना है, ऑल फाइल, और उसका एक्सटेंशन क्या रखना है, .html। अगर आप .html रखोगे तो ही वो डायरेक्टली हम लोग ब्राउज़र के अंदर ओपन कर सकते हो और वो ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो उसको मैं अभी सेव कर देता हूँ। तो ये फाइल सेव होगी। अभी मैं जाता हूँ मेरे सेम फोल्डर के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर कोर्स, और मैं उसको जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो मेरा पेज ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगा। ये रहा, पेज ओपन हो गया। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आप दोनों चीज़ें एक साथ देख सकते हो। कोडिंग ठीक है। अभी देखो ये जो मैंने टाइटल लिखा है वो यहाँ पे टाइटल में दिख रहा है, वेलकम टू सूडो पावर। तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे टाइटल टैग के अंदर वो आपको दिखेगा टाइटल के अंदर। उसके बाद जो भी ये पार्ट में आपको जो पार्ट दिखता है ये है वेब पेज का मेन बॉडी, तो वो पार्ट आपको किसके अंदर लिखना है, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मैंने सबसे पहले हेडिंग डाला, तो जैसे ही आप H1 लिखोगे और उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे, आपको जो भी डिस्क्रिप्शन देना जो भी लिखोगे वो थोड़ा आपको बड़ा होके दिखेगा। फिर मैंने जैसे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ये YouTube, जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, YouTube माय YouTube चैनल। अभी क्या करना है, ये फाइल को सेव करना है। फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे चेंज आ गया, चेंज आ गया। तो आपको सिंपल जैसे ये लिंक बन गया, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो वो YouTube का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, अभी इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना है, और जो मोबाइल के अंदर डेवलप करने वाले वो लोग ये सिंपल सेम कोड लिखो और उसको रन करके देखो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारे ट्यूटोरियल के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड है HTML एट्रीब्यूट्स। तो HTML एट्रीब्यूट्स क्या है, तो जैसे ही जैसे आप देख सकते हो, इट्स एड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड पावर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने जो YouTube की लिंक थी उसके अंदर मैंने यहाँ पे URL डाला हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गया HREF, ये क्या हो गया एंकर, जो ए है ए टैग जो है ए टैग का वो क्या होगा एट्रीब्यूट। तो जैसे मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा तो ही वो मुझे YouTube.com पे लेके जाएगा, अदरवाइज वो लेके नहीं जाएगा। तो हम लोग जैसे
HTML के अंदर ऐसे बहुत सारे टैग है, उनके स्पेशली ऐसे एट्रीब्यूट्स आते हैं, और वो एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग उसका पावर बढ़ा सकते हैं, इन शॉर्ट उसका पावर बढ़ा सकते हैं। न फिर ऐसे हर एक HTML के हर एक टैग के अंदर जनरली इतने जो एट्रीब्यूट्स है वो कॉमनली अवेलेबल है, टाइटल है, स्टाइल है, आईडी, क्लास, टैब, इंडेक्स। मैं आपको ये आगे के ट्यूटोरियल में समझाऊंगा, ठीक है। फिर जैसे मैं आपको फिर से डेमो दिखा देता हूँ कि मैं उसका पावर यहाँ से मैं छीन लेता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, फिर इसको मैंने यहाँ पे ये रिफ्रेश बटन का यूज़ करके रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ से देख लिंक निकल गया। क्यों? क्योंकि मैंने उसका पावर छीन लिया। इसको कंट्रोल जेड मैंने अभी प्रेस किया, कंट्रोल जेड, इसको मैं सेव करता हूँ, तो मैंने इसको फिर से पावर दे दिया, यूट्यूब तू रिडायरेक्ट कर, और मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ और उसको फिर से पावर मिल गया। जैसे क्लिक करूँगा यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो एट्रीब्यूट्स क्या करता है, तो वो स्पेशल काम करता है, एक स्पेशल फंक्शनलिटी जो हम लोग HTML टैग्स को हम लोग देते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी आपको क्या करना है, HTML लिखो, हेड लिखो, टाइटल, बॉडी, हेडिंग, एच मतलब हेडिंग, ए मतलब एंकर टैग जो रिडायरेक्ट करने के लिए यूज होता है, बॉडी क्लोज करो, जैसे आप टैग स्टार्ट करते हो उसको तुरंत क्लोज करते जाओ, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, आपको प्रैक्टिस करना है आपके कंप्यूटर के अंदर, और जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल में प्रैक्टिस कर सकता है। तो जैसे मैं लास्ट में ख़त्म करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो, डू हार्ड वर्क, सीखते रहो, अपने सपनों पे काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।